हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा जैसे दूसरा दिन है और आज मैंने प्लान किया कि मैं आज मॉर्निंग में नारकंडा के लिए निकलूँगा। नारकंडा में देखते हैं वहाँ पे क्या क्या स्पॉट पॉइंट हैं, वहाँ पे जाके मैं इंजॉय करता हूँ। सेकेंड डे है, मॉर्निंग बहुत अच्छी है, धूप हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा में ठंड है। रात को एक्चुअली थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी तो मेरे को एक और एक्स्ट्रा कंबल लेना पड़ा अपने कैंप में, अपने होटल में आते ही। अब मैं यहाँ से नारकंडा के लिए निकल रहा हूँ। देखते हैं नारकंडा के लिए कैसे जाना है। मेरे को लगता है किसी ने बताया था कि यहाँ से बस मिलती है और उसके लिए आपको लक्कड़ बाजार जाना पड़ेगा। लक्कड़ बाजार से आपको एक और बस चेंज करनी पड़ेगी नारकंडा के लिए। मैं प्लान कर रहा हूँ कि नारकंडा से कुछ एक्टिविटी वगैरह चेक करूँ कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है कि नहीं होती है, वहाँ से कहाँ जाना है। अगर ज़्यादा हेक्सिक रहा और ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं वहाँ एक आध ट्रिप एक आध स्पॉट पॉइंट देख के वापस आऊँगा और उसके बाद हम लोग माल रोड वगैरह जाएंगे। नाइट व्यू लेते हैं माल रोड का कि इवनिंग में माल रोड का नाइट व्यू कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाय गाइस, तो अभी हमने शुरू किया आज का जो हमारा ट्रिप है वो है नारकंडा का। तो मैंने अपने जो होटल के बाहर से मेरे बस स्टॉप है वहाँ पे होटल के बाहर, तो मैंने वहाँ से बस ले ली है नारकंडा के लिए। लोकल छोटी सी एक बस मिली थी पहले, उन्होंने बोला कि लक्कड़ बाजार आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको नारकंडा के लिए बस मिलेगी। तो उन्होंने मेरे को लक्कड़ बाजार एक छोटी सी बस मिली, जैसे दिल्ली में DTC बस चलती है वैसे ही आपका यहाँ पे मेरे को लक्कड़ बाज़ार के लिए छोटी सी बस मिल गई जिसने 5 रुपीज़ मेरे से चार्ज किया और मैं अब यहाँ पे लक्कड़ बाज़ार में आ गया हूँ। यहाँ से मैं अब नारकंडा के लिए बस पकड़ूँगा। तो चलिए नारकंडा के लिए बस लेते हैं। चलिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, देखिए ये येलो बस है जो मैं नारकंडा के लिए उतर गया हूँ इस बस से। इस बस ने मेरे से 140 रुपीज़ चार्ज किया है और ये है पूरा नारकंडा का व्यू। यहाँ से चलिए डायरेक्ट चलते हैं स्की पॉइंट के ट्रैक पे, जो स्की पॉइंट अभी यहीं रास्ते में है, तो चलिए वहीं चलते हैं। तो गाइस देखिए, हम जा रहे हैं स्की पॉइंट फाइनली। यहाँ से नारकंडा के जो बस स्टैंड है वहाँ से ओनली ये 10-15 मिनट का रास्ता है। अभी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्नो पड़ी होंगी, बट ये इस पे स्की नहीं हो सकती, थोड़ा आगे है स्की पॉइंट। मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। फ्रेंड्स, ये रास्ता देख रहे होंगे आप कितना ढलान वाला रास्ता है। ये स्की पॉइंट जाने का रास्ता, वहीं जा रहे हैं इस समय हम स्की पॉइंट। इस जगह आने के लिए ही हम लोग शिमला से पहले जो आए थे वो लक्कड़ बाज़ार आए थे। लक्कड़ बाज़ार के बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी नारकंडा के लिए, उसने 140 रुपये हमसे चार्ज किया और बहुत ही बढ़िया था। 2 घंटे में हम लोग पहुँच गए नारकंडा। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने स्की पॉइंट। आपको दिखाऊंगा वहाँ पे स्की किस तरह से होती है, लोग कितना एडवेंचर पॉइंट पे जाके वहाँ पे एडवेंचर कर रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये देखिए, तब तक आप ये नीचे देखिए कितनी बढ़िया जगह है। ये देखिए नारकंडा की, कभी आपको अगर टाइम मिलता तो आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइए। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एक्सपीरियंस भरा रहा मेरे लिए तो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ आते तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फाइनली पहुंचने वाला हूं अपने डेस्टिनेशन पे। ठंड ज़्यादा है यहाँ पे एक्चुअली। बस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए यहाँ पे। जिप लाइन और ट्यूब और 2-3 एक्टिविटी और होती है यहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे जब भी आपको अपना टाइम मिलता है छुट्टी का अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ठीक है गाइस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। सी मज़ा आने वाला है यहाँ पे।
मैं सोच रहा हूँ एक आध एक्टिविटी ट्राई कर लूँ यहाँ पे, हमेशा आने का मौका तो मिलेगा नहीं। और देखिए जमी हुई बर्फ, सी देख रहे, देखिए जमी हुई बर्फ, इस पे आराम से चलिएगा फिसल जाएंगे अदरवाइज। ये देखिए पूरी की पूरी जमी हुई बर्फ है ये। तो देखिए फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं गाइस, सी लुक एट द व्यू, देखिए यहाँ मैंने, मेरे को पता चला कि यहाँ पे स्की ट्यूब और आपका जिपलाइन होती है। मैं थक चुका हूँ इसलिए मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। ये देखिए सी दैट किड, कितना मज़ा आ रहा होगा उसे। बाकी देख लो है ना, तीन एक्टिविटीज हैं आपको, तीनों करनी है तो पैकेज लग जाएगा। और कौन कौन सी एक्टिविटी है इसमें? ये तीन ही है भैया, जिप लाइन है, हाँ, स्कीइंग है और ट्यूब स्लाइड है। ट्यूब स्लाइड चार्जेस क्या इनके? इसका जो पैकेज रहता है ओके 1000 का और 800 का। 800 में हम हाफ आवर स्की देते हैं ओके, और 1000 में 1 आवर का रहता है। और अगर मुझे जैसे ओनली टायर ट्यूब करनी है तो? ट्यूब का भैया 200 का राउंड, 200 का। वो भैया तो 100 रुपीज़ बोल रहे थे उसका अलग, सिंगल के लिए बोल रहे थे। हाँ जी भाई, 100 का करा दोगे सिंगल के लिए? कितना लंबा रहता है ट्यूब का? आपको दिखाएंगे आगे स्लो, आप मुझे आगे दिखा देंगे ना। चलिए मैं 2 मिनट पहले ब्लॉगिंग अपना कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए पूरा का पूरा, ये जो पॉइंट है सामने आप देख रहे होंगे, ये आपका जिपलाइन पॉइंट है, यहाँ से जिपलाइन होती है। और ये देखिए स्नो स्नो पड़ी है यहाँ पे, देखिए सी जगह बहुत बढ़िया है ये। अब फ्रंट कैमरा करने की बारी है, मास्क उतारना पड़ेगा मुझे। अब देखिए धूप है, थोड़ा सही से आ नहीं रहा होगा पोस्टर, यहाँ से सही आ रहा होगा देखिए कि। चलिए मैं थोड़ा आपको स्नो में लेके चलता हूँ, यहाँ स्की करने में बड़ा मज़ा आता है गाइस। देखिए ऑली मोली गाइस, सी ज़्यादा ऊपर जाऊंगा तो मैं फिसल जाऊंगा, तो ट्राई नहीं करना है कि ज़्यादा ऊपर जाना है। आपको एक लिमिट स्पीड में लिमिट चढ़ाई करनी है, क्योंकि और मैंने जैसे पहले आपको बहुत बार मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने जो शूज़ हैं वो प्रॉपरली जो यहाँ पे लेके आने वो स्पोर्ट्स ही लाने, नहीं तो पता चला गिर जाएंगे आप। ये देखिए पूरा का पूरा पॉइंट देखिए। अब पता चला लोग नारकंडा क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्की करने के लिए पॉइंट बहुत बढ़िया मिल जाता है आपको। देखिए और मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे को भैया ने एक पैकेज बताया, जो मैंने आपको दिखाया कि वो एक पैकेज बता रहे थे कि क्या क्या उसमें चीज़ें अवेलेबल हैं उस पैकेज में। मुझे आराम से उतरना पड़ेगा सुनो में सी। चलिए हम ट्यूब वाले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे ट्यूब से किया जा रहा है। ये देखिए रिकमेंडेशन अवार्ड मिला था। ये देखिए गाइस पूरा पॉइंट, ना ऊपर पॉइंट है इसका, बस यही। कहाँ से? ओके तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ ट्यूब करने के लिए, ट्यूब स्लाइडिंग। देखिए आप देख, बहुत ही बढ़िया है,
सोलो करने में तो बहुत मज़ा आने वाला है ये। पहले देख लेते हैं यहाँ पे एक का कुछ लोग ट्यूब कर रहे हैं सी, ये देखिए वाओ इतनी बढ़िया ट्यूब तो मैंने मनाली में भी नहीं करी थी गाइस, बहुत बढ़िया, ट्राई करना बनता है इसको। नहीं नहीं ठीक है, चलिए ट्यूब ट्राई करते हैं। बारी आ चुकी है फ्रेंड, तो मैं अपनी ट्यूब में बैठ गया हूँ। देखिए भैया आपका नाम बताइए। अंदर से निकाल जी, मैं बैग उतार देता हूँ। बस ये कहीं जाएगा, आपको लेटे रहना पीछे, ठीक है? एक मैम पीछे करो मैम, ठीक है? तो हम शुरू करने वाले हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। अभिषेक, अभिषेक नाम है इन भैया का। तो शुरू करते हैं, रेडी? ये देखिए शुरू होने वाला है। ये थी हमारी ट्यूब स्लाइडिंग जो हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया रहा सी। हाँ थक गया, मज़ा आया बहुत, कुछ भी रहो बहुत मज़ा आया। हाँ एक बारी में मतलब एक्चुअली इतना बढ़िया स्लाइड हुआ यहाँ से, इतना अच्छा एक्चुअली मैंने मनाली में भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो मैंने अभी इससे पहले वीडियो डाली थी, आई थिंक नहीं डाली होगी, मैं डाल दूंगा उसको, तो वो भी देखेगा आप, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी मेरे को ये लगे, क्योंकि इसकी स्लाइडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पर ये बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर स्की वगैरह भी होती है नेशनल लेवल पर पूरा। चलिए वापस चलते हैं। एंड सो ये था आपका स्की पॉइंट नारकंडा का, जो मैंने अभी मेरे पीछे है, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। देखिए यहाँ आना बढ़िया रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ का। मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया, मैंने यहाँ पे ट्यूब स्लाइडिंग करी है, और भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो कि आपको अगर आप यहाँ पे बार्गेन करने में नंबर वन हैं
तो आप यहाँ पे बार्गेन भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप तीनों की तीनों स्लाइड को, तीनों की तीनों एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका इंजॉय लुफ्त उठा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं उसको। तो वापसी अब मैं जा रहा हूँ वापस अपना अपने होटल। अभी अराउंड क्या बजा है, 2:30 बज रहा है अभी। तो अभी यहाँ से 2 घंटे हमें वापस से लक्कड़ मार्केट पहुँचने में लगेंगे, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे अभी बस की टाइमिंग्स क्या हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैं आया था तो उस समय यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पाया था। शिमला का मैंने इससे पहले भी एक ब्लॉग डाला हुआ है, उसमें नाइट शिमला की मैंने वीडियो डाली, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फाइनली ये सोलो ट्रिप में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली हैं और अभी वापस मैं अब नारकंडा की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ से हम बस लेके उसके बाद सीधा निकलेंगे अपने होटल सुख सागर। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, फाइनली मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए वो ये है कि आज मेरा बर्थडे है 25 जनवरी, स्पेशली ये ट्रिप मैं इसी के लिए करने भी आया था और सोलो ट्रिप है, एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ी आपको स्टिक थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये देखिए। पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया, सामने घर आ गए हैं। देखिए मैं पीछे दिखाता हूँ अपने, वो देखिए मज़ा तो बहुत आया गाइस सच में। और मेरे को लगा था यहाँ पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इतनी पब्लिक है यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ घूमने आने वाला, लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट ट्रिप जो मैं बनाऊंगा पहाड़ों को छोड़ के उदयपुर ट्राई करना है। स्कीइंग भी आ गई है वहाँ पे, स्नो है, स्कीइंग में थोड़ी मतलब। देखिए वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे भी अभी स्नो है इस जगह पे, देख रहे होंगे आप। आराम से आना है आपको यहाँ तक, नहीं तो फिसल जाएंगे आप, स्लाइड नहीं करना है आपको। मुझे तो बहुत, मैं तो बहुत बार फिसल चुका हूँ, बर्फ बिल्कुल जमी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। फिर से फिसल जाता थी। बहुत संभल संभल के आना है आपको यहाँ पे चलते हुए, ध्यान से कदमों को नीचे देखते हुए। बस थोड़ी दूर और है, अप्रॉक्स 30-40 मीटर्स पहुंचने वाले हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। बट यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, अभी ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे पहाड़, यहाँ से दिखेगा नहीं, वहाँ सामने सामने उस पहाड़ पे, वहाँ पे, वहाँ पे बहुत, देखिए स्नो बिल्कुल जमी हुई है उस साइड में, उस पहाड़ पे। हमें वहाँ जाना था बट एक्चुअली अब टाइम काफ़ी हो चुका है तो पोस्टपोन कर रहे हैं उसको, और ठंड भी अब धीरे धीरे हवा में थोड़ी ठंड है। सुबह मॉर्निंग में जब मैं निकला था ज़्यादा ठंड लग रही थी एक्चुअली, स्टार्टिंग में यहाँ पे जिस टाइम पे स्नो गिरनी थी, स्नो की जगह यहाँ पे रेन हो गया था शिमला में, जिस वजह से स्नो नहीं पड़ पाई, लेकिन उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, अभी भी ठंड है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी,
उन्हीं गलियों में हम वापस आ गए हैं। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा वायरिंग वगैरह। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मेरे को तो मेरी नोज़ मेरे को ठंड लगने लग गई है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ जम जाएगी उसमें। तो चलिए बस स्टैंड पे चलते हैं, वहीं पे जाके मैं अपनी अगली मुलाकात करवाता हूँ आपसे। अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने नारकंडा के बस स्टैंड पे और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सीधा लक्कड़ बाज़ार और लक्कड़ बाज़ार से शिमला। शिमला में मेरा होटल है, जैसे मैंने बताया, सुख सागर। मैं वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को वॉमिट आ सकता है क्योंकि मुझे बस में वॉमिट आता है पहाड़ों में जब सर घूमता है। तो ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे ट्राई कर लिए थे, चाय और पराठे, और लंच में मैंने हैवी मैगी ट्राई कर ली है, तो आई एम श्योर कि मुझे वॉमिट आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।